देखना शुरू कर चुके हैं crime100news.com, हर खबर सच के साथ साथ। मैं हूं आपके अपर्णा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज के। पर देने के लिए आए थे, जिसके माध्यम से हमने उनसे एक प्रार्थना अपील की है कि वो इस मामले को किसी उच्च अधिकारियों से इस पर जांच करें, ताकि हमारे जो निर्दोष साथी इस मामले में फंसे उनको इस मामले में उनकी निर्दोषता सिद्ध की जा सके। क्या आश्वासन मिला? कमिश्नर साहब ने कहा है कि आपके द्वारा जो ये प्रार्थना पत्र दिया है इस पर हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और इस पर किसी भी तरह की कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी और निष्पक्ष जांच करके आपका भरोसा दिया है। आए दिन जो शहर में देखे जा रहे हैं, आए दिन पत्रकारों को हिरण हो रहा है, इसको लेकर आप संस्था और आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जो आए दिन हमारे पत्रकार क्षेत्र में पीड़ित हो रहा है, इस पर लेके हमारी संस्था हर समय पत्रकारों के हितों के लिए संघर्षशील है और संघर्ष कर रही है कि यदि हमारे आज जिस तरह ये प्रकरण हमारे सामने आया, इसमें भी हमारे पत्रकार साथियों को निर्दोष बताया गया था, जिसके लिए हम कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए थे और जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें मुख्यमंत्री से भी जाकर न्याय के लिए मांग करेंगे।